हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल मिस करामद स्पोर्ट्स। यहाँ आपको मिलता है फुटबॉल से लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ और ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है हमारे हीरो आईएसएल को लेके, सो कल था आईएसएल में मैच ईस्ट बंगाल वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, एंड ये मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-0 से जीत लिया है। पहला गोल ओन गोल था एंड दूसरा 90 मिनट्स में गोल किया रोचर जेला ने, अगर मैं नाम से इसे नहीं बोल पा रहा तो उसके लिए सॉरी। तो दूसरा गोल जो था वो काउंटर अटैक में किया था। एंड अगर हम लोग कल फर्स्ट हाफ का बात करें तो फर्स्ट हाफ में जैकवस मैघोमा ने एक बहुत अच्छा चांस क्रिएट किया था, बट एक्चुअली उनको फाउल किया गया बॉक्स के अंदर एंड जो पेनल्टी मिलना चाहिए था बट पेनल्टी नहीं दिया गया, अगेन बैड रेफरिंग। एंड उसके बाद एक बहुत ही बुरी तरीके से ईस्ट बंगाल ने गोल कंसीड किया जो कि गोल कंसीड नहीं करना चाहिए था उस तरीके से। एंड सेकेंड हाफ में भी ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस अच्छा था और भी बढ़िया हो सकता है। ईस्ट बंगाल का जो मेन प्रॉब्लम है वो है डिफेंस उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है एंड अटैक में बलवंत सिंह का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है एंड इसी के वजह से कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल गोल करने में कामयाब नहीं हो पाए कल। एंड कल एंटोनी पिल्किंगटन एंड जैकवस मैघोमा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड ओवरऑल ये मैच काफ़ी अच्छा था। ईस्ट बंगाल एटलीस्ट इस मैच से एक पॉइंट लेके जाना डिजर्व करती थी क्योंकि इसके बाद भी सेकेंड हाफ में ईस्ट बंगाल को एक और पेनल्टी मिला था जो कि फिर से पेनल्टी नहीं दिया गया एंड फिर एंड मोमेंट में जो कि 50-50 था एंटोनी पिल्किंगटन के ऊपर फाउल किया था बेंजामिन लैम्बर्ट ने, पेनल्टी दिया जा सकता था बट रेफरी ने नहीं दिया, वो रेफरी का डिसीजन है ओके, बट दो पेनल्टी मिल सकता था ईस्ट बंगाल को जो कि नहीं मिला ईस्ट बंगाल को एंड इसी के वजह से फिर से कल बहुत ज़्यादा ही मीम्स बने सोशल मीडिया में कि कैसे रेफरीज इतना ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस है रेफरी का इस साल आईएसएल में। एंड आईएसएल वर्ल्ड का 25th लार्जेस्ट लीग है एंड वहाँ पर रेफरिंग का क्वालिटी ऐसा है तो कब तक ये 25th पोजीशन आईएसएल होल्ड कर पाएगा, इसको लेके भी बहुत लोग ने बोला है कि शायद ही कोई होल्ड कर पाए हम लोग 25th पोजीशन, तो जो कि मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है कि रेफरिंग का क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरा है। एंड कल किसी ने कमेंट में भी बोला था कि क्या हम लोग फॉरेन रेफरीज को नहीं ला सकते, अब ये पूरा आईएसएल के मैनेजमेंट मतलब एफएचडीएल एंड एआईएफएफ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम फॉरेन रेफरीज को लाए या नहीं, क्योंकि फॉरेन रेफरीज का जो फी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो रेफरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके पास फीफा का सबसे टॉप लाइसेंस होता है एंड वैसे रेफरीज का वेज काफ़ी ज़्यादा, अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि उनके पास वेज देने जितना पैसा नहीं है, डेफिनेटली उनके पास पैसा है बट अभी के लिए वो लाना नहीं चाहते फॉरेन रेफरीज को। एंड इंडिया में जो नंबर वन रेफरीज है प्रांजल बैनर्जी, उनको भी कोई भी मैचेस नहीं दिया जा रहा है, तो देखते कि क्या होता है क्योंकि रेफरीज हमेशा मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनका एक गलत डिसीजन पूरा मैच का रिजल्ट को बदल सकता है। तो एक्सपेक्ट करते कि यार रेफरीज का जो ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए क्योंकि अच्छे रेफरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईएसएल में। सर अब हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज का जो सबसे पहला मैच है वो मुंबई सिटी एफसी वर्सेस उड़ीसा एफसी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच उड़ीसा एफसी के लिए क्योंकि उड़ीसा एफसी ने अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है एंड मुंबई सिटी एफसी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो एकदम अभी टॉप फॉर्म में मुंबई सिटी एफसी, सो डेफिनेटली बहुत ही हार्ड होगा उड़ीसा एफसी के लिए, बट एज बिकॉज उड़ीसा एफसी थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं प्रेफर कर रहे हैं वो लोग, तो थोड़ा सा हार्ड तो मुंबई सिटी के लिए भी होगा कि उस डिफेंस को तोड़ के गोल करना। सर देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है, क्या उड़ीसा एफसी मुंबई सिटी एफसी को रोक पाएंगे या नहीं, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आज के दूसरे मैच के बारे में। तो आज का जो दूसरा मैच है वो एफसी गोवा वर्सेस केरला ब्लास्टर्स एफसी, एक और बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट मैच दोनों ही टीम के लिए क्योंकि दोनों ही टीम ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है एंड ये मैच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच होगा। कहीं ना कहीं एफसी गोवा का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है केरला ब्लास्टर्स एफसी से, बट केरला ब्लास्टर्स एफसी को भी हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनका भी लास्ट मैच का परफॉर्मेंस अच्छा है। सर डेफिनेटली देखने लायक होगा कि क्या केरला ब्लास्टर्स एफसी इस मैच में कमबैक कर पाते या नहीं, या फिर एफसी गोवा ये मैच जीतेगा, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा अल्बर्टो नोगेरो को लेके, तो अल्बर्टो नोगेरो को मिला था एक मैच का बैन क्योंकि उन्होंने जेरार्ड नस को धक्का दिया था, बट एफसी गोवा के मैनेजमेंट ने कुछ वीडियो प्रूफ दिया जहां पे
दिखाया है कि एक्चुअली जेरार्ड नस बॉल को कवर करने की कोशिश कर रहे थे एंड इसी के वजह से अल्बर्टो नोगेरो ने जेरार्ड नस को धक्का दिया एंड उसके बाद AIFF ने वो वन मैच का बैन हटा दिया है अल्बर्टो नोगेरो से एंड अल्बर्टो नोगेरो इस मैच में खेल सकते हैं बट इस मैच में रिडीम लैंग नहीं खेलेंगे, उनको 2 मैच का सस्पेंशन लगा है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ एंड ये काफ़ी मैं अच्छा बोलूँगा AIFF की तरफ से डिसीजन की, कहीं ना कहीं ये सच भी है कि हाँ जेरार्ड नस बॉल को कवर करने की कोशिश कर रहा था, तो एक अच्छा डिसीजन AIFF की तरफ से। सो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में आज है ब्रायन म्यूनिक वर्सेस रेड बुल लिप्ज़िग एंड ये बहुत ही एक अच्छा मैच हुआ था कल एंड ये मैच ड्रॉ में एंड हुआ 3-3 एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मैच। जिन लोगों ने ये मैच नहीं देखा है मैं ज़रूर प्रेफर करूंगा आप इस मैच का हाईलाइट ज़रूर देखें। तो ब्रायन म्यूनिक ने कल जैसा वो हर मैच में खेलते वैसा ही उन्होंने परफॉर्म किया था, कंप्लीट अटैक एंड रेडबुल लिप्ज़िग को जितना मौका मिला उन्होंने ऑलमोस्ट सारे मौके को कन्वर्ट किया गोल में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रायन म्यूनिक जैसे टीम्स के अगेंस्ट में एंड बहुत एक अच्छा मैच था। ब्रायन म्यूनिक का ओके थॉमस मुलर ने 2 गोल किया एंड रेडबुल लिप्ज़िग का ओके फोर्सबर्ग कुलीवर्ट एंड एंकुकू ने गोल किया था, तो बहुत अच्छा मैच था एंड ये मैच ड्रॉ में एंड हुआ है। नेक्स्ट इधर हमारा प्रीमियर लीग को लेके, सो प्रीमियर लीग में कल मैच था लीड्स यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी एंड ये मैच चेल्सी ने 3-1 से जीत लिया है एंड लीड्स यूनाइटेड ने शुरुआत में ही 1 गोल कर लिया था एंड वो 1 गोल के लीड में थे बट उसके बाद चेल्सी ने लगातार 3 गोल किया है एंड कल चेल्सी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं चेल्सी से कि इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करके इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को चेल्सी ने खरीदा है तो एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं चेल्सी से एंड वो कल चेल्सी ने पूरा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा मैच था एंड ये मैच चेल्सी 3-1 से जीत गए। सो आज का जो प्रीमियर लीग का मैच है वो है टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस आर्सेनल, एक और बहुत बड़ा मैच एंड आर्सेनल के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट मैच है ताकि वो एक लीग में कमबैक कर सके एंड टॉटनहम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है ताकि वो अपना जो नंबर वन पोजीशन है उसमें फिर से वापस जा सके, क्योंकि अभी के लिए तो नंबर वन पोजीशन में है चेल्सी बट अगर टॉटनहम आज का ये मैच जीत जाते तो टॉटनहम फिर से नंबर वन पोजीशन में चले जाएंगे। सो डेफिनेटली देखने लायक होगा कि ये मैच कौन जीतता है। टॉटनहम थोड़ा सा अपर हैंड रखते हैं बट कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि टॉटनहम का जो प्लेइंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, उनका जो मेन अटैक है वो पूरा हैरी केन एंड सॉन के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है टॉटनहम हॉटस्पर्स, बट डेफिनेटली इजी तो बिल्कुल नहीं होगा आर्सेनल के लिए टॉटनहम हॉटस्पर्स को हराना। सर देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सर नेक्स्ट भी ज़्यादा बड़ा जुवेंटस को लेके, सो जुवेंटस इंटरेस्टेड है डेविड एल्बा के ऊपर एंड डेविड एल्बा का जो प्राइस सेट किया है ब्रायन म्यूनिक ने वो है 15 मिलियन यूरो, तो 15 मिलियन यूरो में ही जुवेंटस को डेविड एल्बा जैसे इतने टैलेंटेड प्लेयर मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया डील है जुवेंटस के लिए। तो देखते हैं क्या डेविड एल्बा जुवेंटस में आते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो नेक्स्ट इधर हमारा ओलिवर जीरू के ऊपर, तो ओलिवर जीरू के ऊपर 2 क्लब्स इंटरेस्टेड है, एक है इंटर मिलान एंड दूसरे है जुवेंटस। तो ओलिवर जीरू का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम ही टॉप में ओलिवर जीरू अभी एंड उनके ऊपर बहुत सारे क्लब्स अभी इंटरेस्टेड है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड डेफिनेटली देखने लायक होगा कि ओलिवर जीरू कौन से क्लब में जाते हैं क्योंकि चेल्सी ओलिवर जीरू को बेच देना चाहते हैं क्योंकि उस पोजीशन में ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे स्ट्राइकर्स हैं बट मुझे कहीं ना कहीं भी लगता है कि ओलिवर जीरू का जो ज़रूरत है चेल्सी में वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ओलिवर जीरू का जो फिनिशिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो डेफिनेटली देखने लायक होगा कि क्या ओलिवर जीरू चेल्सी छोड़ के कोई दूसरे क्लब में जाते या नहीं, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सर एक्चुअली ज़रा अगर ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर, तो ब्रूनो फर्नांडिस को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली ब्रूनो फर्नांडिस का जो वेज है उसको डबल कर दिया गया है ताकि ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है तो ताकि ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के कोई दूसरे क्लब में ना जाए। एंड ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर मेन जो 2 क्लब्स इंटरेस्टेड है वो 2 क्लब्स है बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, तो मैं बोलूंगा एक अच्छा डिसीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में एंड डेफिनेटली देखने लायक होगा कि क्या ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहते या नहीं, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।